दिनों चीन कोरोना वायरस की चपेट में है। दुनिया भर में इस वायरस का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से उद्योग जगत भी काफी प्रभावित हो रहा है। लगातार फैल रहे वायरस की वजह से चीन में पीतल का कारोबार ठप हो गया है, जिसकी वजह से पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में भी पीतल का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चीन से मुरादाबाद के अंदर काफी माल आयात होता है। कोरोना वायरस पूरे विश्व के लिए एक मंदी का संकेत लेके आया है। तो सुना आपने, चीन में कोरोना का कहर, तो इधर भारत में कई शहरों में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है। लेकिन मुरादाबाद में पीतल के कारोबार पर भी असर दिख रहा है। पीतल नगरी मुरादाबाद में पीतल के कारोबार पर चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। चीन में पीतल उद्योग ठप होने की वजह से पीतल नगरी के कारोबार को झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। कांच के क्रिस्टल आते हैं, मशालों की विक्स आती है, और भी बहुत सारे सामान हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है। और ये कोरोना वायरस के चलते जो सरकार ने अभी इसको प्रतिबंध लगाया है और कुछ टेस्टिंग्स डाली है कि बगैर टेस्ट में माल नहीं आएगा, तो उसकी वजह से इंपोर्ट प्रोसेस काफी रोक सा गया है, स्लो हो गया है। भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़ा मुकाबला चाइना के उत्पादों से होता आया है। कोरोना वायरस के चलते चीन में कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे में भारतीय कारोबारियों को कारोबार में मुनाफा होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते पीतल उद्योग को भी बड़ा झटका लगने की आशंका है। चाइना से हम लोग लैंप फिटिंग, वायर की फिटिंग, लैंप की वायर होल्डर, प्लग सॉकेट, ये सब चाइना से आते थे, क्योंकि हमारे बायर्स के अप्रूव्ड वो आइटम है। सालाना 3,000 करोड़ रुपए के उत्पादों में आयातित पार्ट्स के इस्तेमाल के बाद उन्हें विदेशों में भेजा जाता है। पीतल उद्योग में तैयार ज्यादातर उत्पादों में चाइना से आयातित पार्ट्स लगाए जाते हैं। ये पार्ट्स कोरोना वायरस के चलते अब आयात नहीं किए जा रहे हैं। इस वक्त तो जो ये वायरस चल रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि ट्रॉफीज के अंदर अब ज्यादातर जो पार्ट्स लगे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं चाइना का रोल भी साथ में है। जैसे कि क्रिस्टल लगता है, डायमंड लगता है, या आजकल वुडन के ऊपर फॉइल्स चल रही हैं, तो ये वायरस की वजह से अब पीछे से बैकअप नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है, जो इम्पोर्टर्स के पास स्टॉक है वो भी डेडलाइन पर है। जब पीछे से बैकअप नहीं होगा तो आने वाले 3 महीने तक अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से उत्पादों में लगाए जाने वाले पार्ट्स आयात नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मुरादाबाद में पीतल का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।